नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर। बता दें, राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राघव चड्ढा को फिलहाल बंगला खाली नहीं करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ये रोक जारी रहेगी। दरअसल पिछले साल पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप सी बंगला आवंटित किया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को टाइप 7 आवास के आवंटन का अनुरोध करते हुए एक प्रतिवेदन सौंपा था। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को नई दिल्ली में टाइप 7 बंगला आवंटित किया था, जो आमतौर पर उन सांसदों के लिए होता है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री रहे होते हैं। लिहाजा इस साल मार्च में उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि टाइप 7 बंगला उनकी पात्रता के अनुसार नहीं था। उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था। राज्यसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंच गए। हालांकि पटियाला कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के फैसले को सही माना था। कोर्ट ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा। इसके बाद राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता राघव चड्ढा ने सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला दिया। राघव चड्ढा की ओर से पेश वकील ने कहा, पंजाब से उनको धमकियां मिल रही हैं, इसकी वजह से उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दिल्ली में सुरक्षा घटा दी जाए, इसी वजह से यहां उनकी जान लेने की साजिश हो सकती है, उनकी जान ले ली जाए। अब हाईकोर्ट ने उन्हें फौरी राहत दे दी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि राघव चड्ढा के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया है। नेक्स्ट नाइन न्यूज की खास रिपोर्ट।